नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आजकल सेक्स संबंधी समस्याओं से निजात पाने के संबंध में। यूँ तो हमारे लाइफ में दोस्तों कोई ना कोई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग या कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सेक्स समस्याओं को किसी अन्य से शेयर करना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनके लिए खास करके ये हमारी कड़ी है, या फिर आप जागरूक भी हैं तो किसी अन्य से पूछना नहीं चाहते हैं, तो हम आपको ये मौका देते हैं। आप मेल्स के द्वारा हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये हमारा प्रयास है, इसीलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है जिसका नाम है सेक्स संबंधित समस्याओं से कैसे पाएं निजात। आइए अब आज के हमारे श्रोता की मेल लेते हैं हम। इनका कहना है, मैं 17 वर्ष की हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये महिला हैं जिन्होंने मेल किया हुआ है, कोई लड़की। मैं 17 वर्ष की हूँ, मेरे विवाह को 6 माह बीत चुके हैं। मैं अभी तक गर्भवती नहीं हुई हूँ और जिन डॉक्टरों से मैंने सलाह ली है उनका कहना है कि मेरा गर्भाशय अविकसित है। क्या यह संभव है कि मैं संतान को जन्म दे सकूं? प्रिय श्रोता, आपकी आयु अभी केवल 17 वर्ष की है, इसलिए आपका गर्भाशय अब भी कुछ छोटा हो सकता है। अगले 1-2 साल तक वह निश्चित रूप से विकसित होगा। आपको अपने वैवाहिक जीवन के इतने थोड़े समय में गर्भवती न होने पर चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके विवाह को केवल 6 मास हुए हैं। परंतु यदि आपका गर्भाशय वास्तव में छोटा है तो हार्मोन चिकित्सा से आपका शारीरिक विकास भी होगा, गर्भाशय का आकार भी बढ़ जाएगा और गर्भधारण की संभावना भी बढ़ जाएगी। जिस स्त्री का गर्भाशय वास्तव में छोटा होता है, यदि वह गर्भधारण कर भी लें तो बहुत संभव है कि 1-1.5 महीने बाद उनको गर्भस्राव हो जाए। ऐसा दोबारा भी हो सकता है, किंतु इस प्रकार गर्भाशय में 2 बार भ्रूण के बढ़ने से तथा हार्मोन चिकित्सा होने से गर्भाशय का आकार बढ़ जाएगा और जब वह 3री बार फिर से गर्भवती होंगी तो उस समय गर्भ ठहर ही जाएगा। आपको अभी 1 वर्ष तक बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, आपको अभी 1 वर्ष तक बच्चा पैदा करने की नहीं सोचना चाहिए। अभी आपकी नई शादी हुई है, आप अपने पार्टनर को समझें, सेक्स यानी कि संभोग का आनंद लें, फिर आपको ऑटोमेटिक होगा कि आपके शरीर का विकास हो जाएगा, फिर आप गर्भधारण कर सकती हैं। आपका बच्चा भी उस कंडीशन में मैच्योर्ड नहीं हम कहेंगे कि स्वस्थ पैदा होगा, यानी कि पूर्णतः विकसित हो पाएगा। अभी आप अपने शरीर का विकास होने दें। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से हमारे एक किशोर या किशोरी कहें, कम उम्र के टीनेजर भी हम इनको नहीं कह सकते हैं दोस्तों, और पूर्णतः विकसित हुआ शरीर भी इनका नहीं है, तो यानी कि नए पाठक, यानी कि कम उम्र के, अनुभव की कमी, यानी कि युवा अवस्था में ऐसी समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। कोई भी, हर किसी को समझ में नहीं आता है कि सेक्स संबंधी समस्याओं को कैसे हैंडल करें, कैसे इससे निजात पाएं। तो इसी में हमारा ये एक प्रयास है दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के, कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।